प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आदर प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग का यही प्यार स्नेह मुझको मिलता रहे, जिसके कारण मैं आपको प्रतिदिन ज्योतिष कुंडली के बारे में नए नए ज्ञान प्राप्त कराऊं। नया साल वर्ष 2021 आरंभ होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2021 किन किन राशियों के लिए अधिक खराब रहेगा, क्या हानि देगा, किस प्रकार का क्षति पहुंचावेगा, ये आप सुनिए। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ उन राशियों के बारे में दे रहा हूं जो वर्ष 2021 में अधिक खराब रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2021 अच्छा नहीं है, इनको मानसिक परेशानी देगा, उन्नति में रुकावट देगा, धन की हानि कराएगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाएगा। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2021 व्यापार में घाटा देगा, राजनीति में गिरावट लाएगा, नौकरी में पदोन्नति में रुकावट लाएगा। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2021 अच्छा नहीं है, शिक्षा में रुकावट लाएगा, नौकरी प्राप्ति में रुकावट लाएगा, रोजगार प्राप्ति में रुकावट लाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2021 अच्छा नहीं है, इनकी नौकरी में सस्पेंड कराएगा, पदोन्नति में रुकावट लाएगा, अकारण धन की हानि कराएगा, इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला करेगा। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2021 भाग दौड़ अधिक कराना, बने कार्य में रुकावट लाना, पारिवारिक विवाद कराना, संतान की उन्नति में रुकावट, मानसिक पीड़ा देगा। मीन राशि वालों के लिए निर्माण कार्य में रुकावट देगा, गुप्त शत्रु पैदा करेगा, अधिकारियों से विवाद कराएगा, रुके धन की प्राप्ति नहीं होने देगा, खास मित्रों से विवाद कराएगा, भाई बंधुओं से विवाद कराएगा, मानसिक तनाव देगा। यह छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2021 किन किन राशियों के लिए अधिक खराब है और क्या हानि देगा, इसको आप सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। दोस्तों, और कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस देना होगा। मुझसे पूछ कर फीस अगर आप देंगे तो आप कुंडली का पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हो वीडियो को, ये छोटा सा वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।